ठीक चल। देखो कल क्या पढ़ाया था मैंने, याद है किसी को? दो फॉर्मूला, डेरिवेशन की थी ना इसकी, आर एस की थी कितनी? अगर मान लेते हैं कि दो प्रतिरोध है तो ये हो जाएगा आर वन प्लस आर टू, यही था ना। और पैरेलल जब होता है तो वन अपन आर पी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वन अपन आर वन वन अपन आर टू, और जितने भी हो जाए टू है थ्री है जहाँ तक करते जाओ लगातार, तो हमारे पास टू है ना तो टू तक करेंगे। टू क्यों लिया, बल्ब है ना ये, इनका प्रतिरोध तो होता ही है ना, इसका प्रतिरोध आर वन मान लो, इसको आर, और ये बताओ कि मैंने किस क्रम में जोड़ रखा है इसको, श्रेणी क्रम में या पैरेलल में? श्रेणी में ना, देखो श्रेणी में, देखो विद्युत धारा इसमें गई फिर इसमें से होकर इसमें जा रही है, ऐसा ही है ना, तो श्रेणी क्रम में है ये, देखो ध्यान से ये श्रेणी में है तो सीरीज में है। अब इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए वो चेक कर लेते हैं। तो अगर इसका रिजल्ट चेक करोगे ठीक है कि कैसे होंगे, अब मुझे पहले ये बताओ कि कैसे जलने चाहिए, तेज ठीक है या देखते हैं, नहीं पीला तो होता ही है कि करो ऑन करो ठीक है, खतरे वाला खेल है लगा सही से। ये देखो ठीक है, ये तो कम जलेगा, रीज़न है कि मुझे लगता है ये कम वॉट का है, ये 100 वॉट का है ठीक है, लेकिन पहले के मुकाबले कम जल रहे हैं ना ये, दिख रहा है इतना तो नहीं जलना चाहिए इसको ठीक है, ये 60 का है और ये वाला 100 का है इसलिए कम जल रहा है, लेकिन इतना इतना तेज़ तो जलता है कि आप इसको देख नहीं सकते सामने सामने, लेकिन अभी ये आपको दिखाई दे रहा है यही ना। अब इसको अगर ये क्योंकि दिख रहा है ये श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है तो इसका जो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर आर एस इक्वल कितना हो जाएगा आर वन प्लस आर टू, इसलिए इस कारण से क्या हुआ विद्युत धारा इसमें गई फिर इसमें से गुजर कर फिर दूसरे वाले में आ रही है, इसलिए इसका मान क्या है कम हो गया है ना, क्योंकि इसका प्रतिरोध और इसका प्रतिरोध जब टोटल प्रतिरोध हो गया तो ज़्यादा हो गया है ना। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब सीरीज में लगाते तो प्रतिरोध ज़्यादा हो जाता है और जब प्रतिरोध ज़्यादा हो गया तो इसलिए देखो इसको कम मिल रही है विद्युत धारा है ना, ये कारण है। अब अगर मैं पैरेलल लगा दूँ समांतर लगा दूँ तो क्या रिजल्ट आएगा वो देखते हैं, बंद करो उसको ठीक है। समांतर करने के लिए गर्म हो गया होगा, तो पहले बात समांतर करने के लिए मुझे करना क्या होगा ठीक है, मैं इसको ओपन करूँगा ये जो कनेक्शन हो रही है वाले ठीक है, इस कनेक्शन को खोल के और फिर मैं इसमें करूँगा, चलो इसमें देखो ये दिख रहा होगा आपको, गर्म तो नहीं हो तो गया, पकड़ो इसको ऐसे, देखो ये दिख रहा है ना, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ इसको श्रेणी क्रम से हटा रहा हूँ, अब किस क्रम में लाऊंगा इसको समांतर क्रम में लाऊंगा, और समांतर क्रम में लाने के लिए एक ही तरीका है कि मैं इसकी वायरिंग पहले ओपन कर लूँ और फिर इसको इसमें यूज़ करना है मुझे ठीक है, तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। चल रहा ठीक, देखो अब करना क्या है, देखो ये दिख रहा है सबको ठीक है, अब इसी कनेक्शन कैसे करना है, देखो ये इसमें से विद्युत धारा आ रही है, ये आ रही है ना, तो मुझे करना क्या है इस वाले में मिलाना है ये वाला, ये तो इसमें आ जाएगा, ये वाला दिख रहा है ये वाला इसमें आ जाएगा, तो मैं कनेक्शन कर देता हूँ, एक साथ डबल करना पड़ेगा मुझे, तुम भी कनेक्शन सीख लो घर में काम आ जाएगा, आता है ना सबको, सिंपल काम है तो है ना, इतने इतने बड़े इंजीनियर तो हो आप, ये कर लोगे इसका काम, नहीं करोगे ना तो फिर मम्मी कहेगी या पापा कहेंगे तूने कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा।
ठीक है, ये कर दिया मैंने कनेक्शन, ठीक है शॉर्ट ना हो। अब देखते हैं मैंने क्या कर दिया, देखो समांतर विद्युत धारा इसमें से गई, फिर इसी में से फिर मैंने ये ले लिया, तो ये आ गया समांतर क्रम में। अब लगाओ इसको, ठीक है। अब देखते हैं क्या जलना चाहिए, तेज जलना चाहिए अब तो, है ना, तेज जल गया ना, तो कारण यही है क्योंकि अब प्रतिरोध क्या हो गया है, ज्यादा है कम हो गया, कम हो गया प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध कम होने के कारण आप देखो अब सही जल रहे हैं, पहले नहीं जल पा रहे थे, है ना, तो ये कारण है। तो इसीलिए पैरेलल में प्रतिरोध जो होता है कम होता है, तो यही कारण है। अभी ठंडा हो जाए, समझ आया ना आपको। तो इसलिए आपने देखा है कि कमी क्या है, कि अगर पैरेलल लगाया, जैसे मान लो कि ये बल्ब है हमारा, है ना, ये ऐसा गया बल्ब, ये आया, इसका कनेक्शन मैंने इस बल्ब से कर दिया, ठीक है, फिर आया इसका कनेक्शन ऐसे कर दिया मैंने, तो ये जो है ये कौन सा क्रम हुआ। अभी तो कर रहा हूँ, बस 5 मिनट चाहिए मुझे। अच्छा, आपको सिर्फ 5 मिनट। हाँ, तो देखो समझ आया ना आपको। तो ये जो बल्ब है किस क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में, तो इसका R1 और इसका R2 दोनों मिलके ज्यादा हो गए ना, जब प्रतिरोध ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत धारा को ज्यादा रोकेंगे, समझ आ रहा है आपको, ये ज्यादा रोकेंगे तो क्या है कि विद्युत धारा बहुत कम कम जाएगी, इसलिए इसका जो ग्लो कर रहे थे बहुत कम कम ग्लो कर रहे थे, यही था ना। अब इसमें कमी क्या है, अगर बाय चांस ऐसा हो कि हम क्या कर दें इसमें एक फ्यूज बल्ब हो जाए, अगर ये फ्यूज बल्ब हो गया तो यहां जितने बल्ब जुड़े हैं सारे क्या हो जाएंगे, फ्यूज नहीं होंगे, बंद हो जाएंगे, क्योंकि इसने क्या है अब यहां से विद्युत धारा जा नहीं पा रही है ना, विद्युत धारा जाएगी तभी तो होगा। लेकिन समांतर में क्या होता है कि समांतर में ऐसा लगा दिया, एक बल्ब ऐसा लग गया, ठीक है, और ऐसे ही एक बल्ब ऐसा लग गया, देखो समांतर लगाया ना ये, देखो ये कनेक्शन यहां से ले लिया, ये समांतर एकदम, तो अगर ये फ्यूज भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता कि विद्युत धारा जा रही ना इसके पास, और अगर एक और लगा देते हैं इसको यहां से एक और लेते हैं बल्ब हम, तो ये भी जलता रहेगा, तो ये समांतर क्रम है। अब समांतर क्रम में क्या है कि प्रतिरोध कम हो गया, जब प्रतिरोध कम हो गया तो ये ज्यादा ग्लो करेंगे, इसलिए देखा है आपने कि वो ज्यादा ग्लो करते, समझ आया ना आपको कि समांतर में प्रतिरोध कम है और श्रेणी क्रम में ज्यादा होता है, ये रिजल्ट आपने देख लिया, इतना है, ठीक है ये। और क्या दोष है इसका, श्रेणी क्रम में क्या दोष है, एक तो बहुत कम जल रहा था, और अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो आगे वाले जितने बल्ब लगे हैं वो सारे बंद हो जाएंगे। तो आपने वैसे देखा होगा जहाँ शादी विवाह होता है ना, वहाँ बल्ब लगाते हैं, बड़ा कम कम जल रहे होते हैं, देखा आपने, क्या कारण है, वो श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर वो समांतर क्रम में लगाएं दिक्कत हो जाएगी, तो वो करते हैं श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में अगर एक भी टूट गया यहाँ से तो आगे वो बंद हो जाते हैं, ठीक है ये है। लेकिन अगर आप समांतर क्रम में लगाओगे तो ज़्यादा भी जलेंगे, ठीक है, ज़्यादा ग्लो करेंगे, और अगर एक फ्यूज भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए हमारे घर में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो किस में लगी होती हैं, समांतर में लगी होती है ना। नहीं तो अगर बाय चांस ऐसा हो कि किसी एक कमरे का बल्ब फूक गया, समझ लो फ्यूज़ हो गया, तो समझो कि जितने उससे जॉइंट है ना वो सबके घर की बिजली खत्म हो जाएगी, और ऊपर से आप समझ सकते हो कि इसके घर का कितना कम रोशनी आएगी, फिर दूसरे वाले को और कम मिलेगा, तीसरे वाले को तो मिलेगा नहीं, वो कहेगा कि बस जल रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है, वैसे बस वो दिख रहा है, बाकी कुछ मुझे नहीं दिखाई दे रहा, ये है ना। इसलिए हमारे घरों में जो भी क्रम अपनाया जाता है वो कौन सा अपनाया जाता है, समांतर क्रम, इसलिए ये ज़्यादा बेनिफिट देता है, ये नहीं देता। इसलिए हम अपने घर के कनेक्शन इसमें नहीं करते क्योंकि प्रतिरोध भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये फैन आपके क्लास में लगे हैं, अगर इनको पैरेलल ना लगाया जाए, श्रेणी लगा दे, तो ये है ना, ये तो बस ऐसे घूमेंगे, आप गिनती कर सकते हो 1 2 ऐसे, ये हो जाएगा, समझ आया ना आपको, ये कारण है, लिख लेना बस, काफ़ी इतना।